If you are determined, you can move mountains. And these tribal children are the example of that determination and willingness to learn English. Let's appreciate them and encourage others to do so. Tell me one thing, English bolne ke liye sabse zyada zaruri cheez kya hai? Sochiye. English bolne ke liye sabse zyada zaruri cheez hai confidence. Hum kitna bhi grammar seekh lein, kitne bhi structures, vocabulary seekh lein, par confidence nahi hai aur jo dar hai ki mujhe koi mera koi mazak na uda de aur fear hai, ye sari cheeze rahengi to fir aap किसी के सामने इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डरेंगे कि मैं कैसे बोलूं, अगर मेरा मजाक उड़ गया तो, अगर मैंने मिस्टेक कर दिया तो, राइट? सो यही जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हेजिटेशन और फियर है, या मिस जो एसोसिएटेड है इस भाषा के साथ, वो हम दूर कर रहे हैं इंग्लिश की पाठशाला स्कीम से। अब आप सभी को पता है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। सो मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ, जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, और वहां के रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर है विनीत नंदनवार सर। सो उनका इनिशिएटिव है इंग्लिश की पाठशाला। आई फील अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु फील्स अ नर्व ऑफ द स्टूडेंट्स, हु वर्क्स फॉर देयर बेटरमेंट, हु वर्क्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम इज समवेयर कनेक्टेड टू दिस एजुकेशन। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू आर रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर फॉर कमिंग अप विद सच अ ग्रेट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्कीम टू यू ऑल, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो रूरल एरिया ज्यादा है, वहां पे जो ट्राइबल्स हैं या जो हिंदी मीडियम के हैं, उड़िया मीडियम के हैं, बहुत सारे मतलब रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी। सो उसी में उनकी पढ़ाई होती है, तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है इंग्लिश बोलने में। और आपको पता है कि इंग्लिश आज कितना जरूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी मदर टंग को भूल जाइए, बट जो नीड है उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कॉर्नर में अगर हैं आप, तो आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जो है इंडिपेंडेंट बनते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म के लिए बदनाम है, बट ऐसा कुछ नहीं है अगर हम एजुकेशन से उसको कवर अप करें। सो नक्सलिज्म भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है, और वही इनिशिएटिव हमारे कलेक्टर सर के द्वारा की गई है। और मैं चाहती हूँ कि ये स्कीम ज्यादा से ज्यादा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, ताकि जो बच्चे हैं ट्राइबल हो चाहे दूसरे एरिया के भी हों, जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं या दूसरे, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम कि हम इसमें करवाते क्या है। बेसिकली 16 स्कूल्स आर देयर, अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द क्लास डेली, एंड आई ट्रेन देम ऑन स्पोकन इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है कि हम idioms, डेली यूज सेंटेंसेस, जो टास्क होते हैं डेली बेसिस पे, एंड रोल प्लेज हैं, इनके थ्रू हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उनका हेजिटेशन दूर हो सके, और जितनी गलतियां हो सके हम करने देते हैं, ताकि वो कम से कम बोले, स्टार्ट करे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़े। एंड मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आप दे पाए। सो मैंने उन्हें टास्क दिया था इंट्रोडक्शन का, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करूंगी कि मैं उन वीडियोस को ला सकूं। तो आपसे ये गुजारिश होगी, आपसे ये विनती है कि प्लीज जब मैं ऐसे वीडियोस लाऊं जिसमें बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ट्राइबल एरिया के हैं, उन्होंने कभी इंग्लिश नहीं बोली है, सो उनका प्रोनंसिएशन हो सकता है खराब हो, या उनका प्रोनंसिएशन थोड़ा वीक हो, या कुछ गलतियां कर रहे हो ग्रामर में। सो आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट देम, नॉट यू नो डीमोरलाइज देम, डीमोटिवेट देम, और क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है? तो यही मैं अपने क्लासेस में भी करती हूँ, और यही मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें जब मैं ये वीडियोज शॉर्ट्स के फॉर्म में डालूं। देखिए, इससे दो फायदे होंगे, या तो ये स्कीम गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, दूसरे गवर्नमेंट्स तक, और दूसरा ये कि कोई रूरल एरिया से स्टूडेंट है वो अगर इस वीडियो को देखता है तो उसे लगेगा कि हाँ मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। बिकॉज सबसे ज्यादा हेजिटेशन होता है विलेज और रूरल एरियाज में, क्योंकि उन्हें सिटी एरिया से थोड़े अलग होते हैं, भोले होते हैं, और आप जानते हैं कि इंग्लिश से रिलेटेड कितने मिथ्स हैं जिन्हें बस्ट करना जरूरी है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। एंड आई पर्सनली फील कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, वो अगर एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दे तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है छवि जो है वो चेंज हो सकती है। और स्पेशली जो काम हो रहा है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में,
वो बहुत ही काबिले तारीफ है एंड इट्स रियली कमेंडेबल। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं स्कीम का पार्ट हूं इसीलिए मैं इतना प्रमोशन कर रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में जेन्युइनली चाहती हूं कि हमारे देश में, आपको पता है कि रूरल एरियाज बहुत ज्यादा हैं, सो मैं चाहती हूं कि अगर किसी को इंग्लिश सीखना है, किसी को आगे बढ़ना है, तो उनके करियर में इंग्लिश जो है वो एक रोड ब्लॉक मत हो और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो सके। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल पाए कि ऐसा भी कोई स्कीम है और बच्चों को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है इससे। नाउ लेट मी टेल यू अ ब्रीफ अबाउट आर कलेक्टर सर हु हैज कम अप विद दिस अमेजिंग इनिशिएटिव फॉर द फ्यूचर ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ दंतेवाड़ा। ही इज नॉट ओनली अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर बट ही इज अ फिट स्पिरेशन, दैट मीन्स ही इज अ वेरी फिट पर्सन एंड यू कैन सी हिज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यू कैन सर्च अबाउट हिम। ही इज यू नो गुड इन बोथ वेज, ही वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, द वेलफेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड यू नो ही इज अ फिट स्पिरेशन फॉर द यूथ आउट देयर। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स क्रिएट्स अ मैजिक। सो अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है तो आप लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इनके बारे में, और आप जाकर पता कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे वीडियोज डालने वाली हूँ जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, सो मैं चाहूंगी कि आप लोग अप्रिशिएट करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिल सके। ये शॉर्ट वीडियोज हो सकता है कि आपको इंग्लिश सीखने में मदद ना करें, पर ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा डरते हैं या जो रूरल एरिया से हैं, ट्राइबल एरिया से हैं, जिन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई नो माई यूट्यूब फैमिली इज वेरी सपोर्टिव एंड आई नो थ्रू योर कॉमेंट दैट यू रियली आर पैशनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, यू आर रियली गुड एट थिंग्स नाउ। सो आई वुड लाइक यू टू अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव ऑफ आर स्टेट एंड आर कलेक्टर सर एंड शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। Hope you all support me in this noble initiative and help others to speak English. Stay safe, stay healthy, stay happy. Till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me.